हमास ने इसराइल पर 20 मिनट में ताबड़तोड़ 3 से 5 हजार रॉकेट गिराए। इसराइल दंग रह गया, लोग डर गए, सैकड़ों लोग मारे गए, अमेरिका और चीन के नागरिक भी। और भी ज्यादा लोग मारे जाते पर आयरन डोम ने बचा लिया। इसराइल का बनाया हुआ दुनिया का सबसे सटीक और कारगर एयर डिफेंस सिस्टम। साल 2011 में इसराइल ने आयरन डोम को अपने देश में तैनात किया। तब से यह हवाई रक्षा प्रणाली इसराइल के लोगों को हमास और अन्य फिलिस्तीनी आतंकी समूह के रॉकेट हमले से बचा रहा है। अगर आयरन डोम अपनी तरफ 100 रॉकेट आता देखता है तो वो 90 को हवा में ही नष्ट कर देता है, यानी 90% सटीकता। इसे बनाने की शुरुआत 2006 में हुई जब हिजबुल्ला आतंकियों ने इसराइल पर हजारों रॉकेट दागे। नतीजा बहुत बुरा था। इसराइल में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों देश छोड़कर भाग गए, काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और इसके बाद इसराइल ने स्वदेशी मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाया, उसे नाम दिया आयरन डोम। जैसे ही दुश्मन अपना रॉकेट दागता है, आयरन डोम में लगा रडार सिस्टम उसे पहचानता है, ट्रैक करता है, फिर कंट्रोल सिस्टम इंपैक्ट पॉइंट का पता करता है, यानी रॉकेट गिरा तो कितना नुकसान होगा, उसे हवा में मार गिराए तो कितनी दूर फटेगा ताकि नुकसान ना हो। इसके बाद कंट्रोल सिस्टम से मिले कमांड पर लॉन्चर से मिसाइल दागी जाती है, जिसे इंटरसेप्टर कहते हैं। इसराइल के लोग उसे तामीर बुलाते हैं। मिसाइल दुश्मन के रॉकेट पास जाकर फटती है, इसे वो भी ध्वस्त हो जाता है। साल 2011 में इसे पहली बार तैनात किया गया। तैनाती के 24 घंटे बाद इसने गाजा से दागे गए एक रॉकेट को हवा में ध्वस्त कर दिया। और इसके बाद आयरन डोम बैटरी को पूरे देश में फैलाना शुरू किया गया। मार्च 2012 में आयरन डोम ने गाजा की तरफ से दागे गए 99 रॉकेटों में से 25 को मार गिराया। 2013 के अंत तक इसकी इंटरसेप्शन की ताकत 85% बढ़ी। 2014 के अंत तक ये बढ़कर 90% हुआ। 2021 में इसने यही क्षमता दिखाई। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर 5000 रॉकेट दागे, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा मात्रा में रॉकेट दागने की वजह से आयरन डोम उन्हें काउंटर नहीं कर पाया। हमास के रॉकेट की दिशा और गति तय नहीं रहती, इसलिए उनकी ट्रेजेक्टरी समझने में आयरन डोम को दिक्कत हुई। यानी हमास ने आयरन डोम पर इतनी ज्यादा मात्रा में रॉकेट दागे कि उनमें से कई को रोक नहीं पाया। उसकी क्षमता से ज्यादा रॉकेट उसकी तरफ बढ़ गए, इसलिए आयरन डोम सारे रॉकेट्स को रोक नहीं पाया। इस वजह से इस बार हमास के हमले में इसराइल को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। गाजा के साथ हुए 3 संघर्षों में इसराइल ने आयरन डोम का इस्तेमाल किया। ये युद्ध 2011, 12 और 2021 में हुए। इसके अलावा इसराइल ने इसे खास हथियार का इस्तेमाल ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस, ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज, सिनाई इंसर्जेंसी, 2021 इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष, ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन और ऑपरेशन शील्ड एंड एरो में किया है। आयरन डोम की रेंज अब 150 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 250 वर्ग किलोमीटर तक हो चुकी है और ये अब 2 दिशाओं में से आने वाले दुश्मन रॉकेटों पर हमला कर सकता है। मिसाइल फायरिंग यूनिट में तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल होती है जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर से लैस होती है, स्टीयरिंग फिन्स लगी होती है और एक बैटरी में 3-4 लॉन्चर होते हैं। हर लॉन्चर में 20 मिसाइलें होती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।